Welcome to Preet Classes. Kindly subscribe my channel and share with your friends. And don't forget to click on the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। पहले हम कर चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी का बेस क्या है? टू। एंड इसमें होते हैं जीरो एंड वन। जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन। ठीक है, जैसे सीपीयू हम यूज़ करते हैं उसमें ओनली टू स्टेट्स यूज होती हैं, ऑन एंड ऑफ। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का एक पार्ट है। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने के हमारे पास टू मेथड हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाई बाय पोजिशनल बेस मेथड, इसे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है 10101.11। ये क्या है? बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसका बेस 2 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी? इंटीजर पार्ट से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को बाद में लिखते हैं, पहले इंटीजर पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सो ऑन, 1 बाई इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे बाइनरी नंबर्स हैं, नंबर्स और डिजिट बोल सकते हो। और फ्रैक्शन पार्ट को हम कैसे लिखते हैं? पॉइंट से हम लेफ्ट से राइट लिखना स्टार्ट करते हैं, और -1 -2 सो ऑन ऐसे लिखते जाते हैं। तो बाद में क्या करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं। वन जैसे बाइनरी नंबर है 1, और मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्लेस वैल्यू से 2 की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे, फिर उसे प्लस कर देंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 सो ऑन, इसे प्लस करते जाएंगे। ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21.75, और इसका बेस आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं MSB और LSB क्या है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? जो हमारे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट बिट होती है उसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लास्ट पे फर्स्ट बिट लास्ट पे बिट होती है उसे हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो आगे हम इसका शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है यूजिंग पोजिशनल नोटेशंस, इजी मेथड है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास है 10011011 बेस 2। ठीक है, तो इसकी हम पहले पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू लिखने के बाद उसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2 की पावर 0 है, इसकी इक्वल क्या होता है 1, 2 की पावर 1 है तो 2 होता है, 2 की पावर 2 है तो 4 होता है, सो ऑन। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि उन नंबर्स को ऐड कर देंगे जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और उन नंबर्स को एज ए 0 ही ऐड करेंगे। ठीक है, जिनके नीचे 0 है। ठीक है, तो जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है उनकी एक्चुअल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखो 1 है तो 1 लिया, फिर इसके नीचे 1 है 2 लिया, फिर इस 4 के नीचे 0 है तो हमने 0 ही लेना है। ठीक है, ऐसे करके हम इसका ऐड अप कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 155 बेस 10। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हमें ये टेबल बनाना आना चाहिए। अगर तो आपको आता है तो फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टेबल बनाना भी बता दूंगी कि कैसे बनता है। वैसे तो ईजी है, जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो आप इस टेबल को एक बार देख लीजिए, ये ऑक्टल नंबर्स हैं और ये बाइनरी नंबर्स हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज करते हैं ये देखो। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसके हम 3-3 पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 0110 011.1011। ठीक है, इसके हम पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पॉइंट है
पॉइंट से हम जो इंटीजर पार्ट है उसके राइट से बनाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे पॉइंट था और हमने 1 1 0 लिखा, फिर आगे लिखा 0 1 1 और ये 0 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने फ्रैक्शनल पार्ट का करना है 1 0 1 और यहाँ पे 1 अकेला रह गया। जो 1 है उसके साथ हम और 0 ऐड कर सकते हैं उसका पेयर बनाने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास ओनली 0 बचता है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 को इग्नोर कर दिया और जो लास्ट में हमारे पास 1 था उसके साथ हमने 2 0 और ऐड कर दी। ठीक है, तो फिर बाद में अगर जैसे हमारे पेयर बन गए तो बाद में हम क्या करेंगे, उस टेबल की हेल्प से इनके नीचे नंबर लिख लेंगे, ऑक्टल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, 110 होता है 6, 011 होता है 3, 101 होता है 5, 100 होता है 4 और इसको हम बाद में कंबाइन करके लिख देंगे तो इसका बेस आ जाएगा 8। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर कन्वर्जन टेबल, ये क्या है? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये टेबल है तो इससे भी हमें बनाना आना चाहिए, अगर तो आपको आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो फिर बता देना। नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इसे भी हम ग्रुपिंग मेथड से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है, 0011001.0001। ठीक है, इसका बेस है 2 तो इसे हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो ये भी ऑक्टल नंबर की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यही है कि ये यहाँ पे हमने 4 पेयर्स बनाने हैं, वहाँ पे हम 3 पेयर्स बनाते थे। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट में आपको टेबल दिखाया है उसे आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो हमने इसके 4 4 के पेयर्स बना लिए। ठीक है, तो कैसे बनाएं, जो इंटीजर पार्ट है उसके राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम देखिए 0 जो है वो बच गया तो इसके साथ हमने और 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। और जो लास्ट में फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास 1 1 बचा है उसका पेयर नहीं बन रहा तो उसमें हम 2 0 और ऐड कर देंगे पेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो बाद में हम उस टेबल की हेल्प से इनके आगे डिजिट लिख देंगे, हेक्साडेसिमल नंबर लिख देंगे। 0110 होता है 6, 0101 होता है 5, 1101 होता है D, 1100 होता है C, तो इसे हम कंबाइन करके लिख देंगे और इसका बेस क्या लिख देंगे? 16। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।